आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम गीता ज्ञान संस्थानम में है। तकरीबन 200 की संख्या में यहां पर लोगों को वैक्सीनेट होना है और यहां पर एक अच्छी पहल की गई है। अक्सर देखा जाता है कि गीता ज्ञान संस्थानम हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अब बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। डॉक्टर साहब, अभी कितने लोगों को आप टीका लगा चुके हैं? हम अभी तो 4 लोगों को लगा चुके हैं। हाँ जी, तो अभी शुरू हुआ है। तो कितने लोगों का टारगेट है? 200 का है। 200 का। हाँ जी, तो 200 का टारगेट आप दोपहर तक पूरा कर पाएंगे? हाँ जी, आराम से। हाँ जी, लगातार ड्यूटी रहती है आपकी? हाँ जी, लगातार रहती है। सैल्यूट बनता है आप लोगों को, क्योंकि कोरोना काल में आप लोग बहुत अच्छा काम कर। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हूं, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज यूपीएससी कृष्णनगर गांवड़ी। 16 जनवरी को जब ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था तो उस टाइम तो बहुत सारे लोगों में इस चीज़ को लेकर हिचकिचाहट थी, डर था। जी, कि पता नहीं इस वैक्सीन का रिस्पांस क्या होगा, साइड इफेक्ट कितने होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये धुआं जो है छटने लगा और मार्च मिड तक आते आते हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, आप पे दबाव बढ़ा है? निश्चित तौर पर। अभी हमें कुरुक्षेत्र के, मेरे पास 93,000 पॉपुलेशन है कुरुक्षेत्र एरिया की, जिसको मेरी पीएससी कवर करती है। तो लगभग हर गली मोहल्ले से, हर जगह से बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोग खुद जो है वो बार बार ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जी हमारे यहाँ आप कैंप लगाइए। कोविड शील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीनेशन यहाँ पे की जा रही है। दोनों ही दी जा रही है? हाँ जी। और कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है, जैसे आप देखा जा सकता है कि आपको बस काफी दवाइयाँ? हाँ जी, ये वाली टेबलेट है जो ये पैरासीटामोल है, जो बुखार वगैरह अगर किसी को होता है, शरीर में कड़ा दर्द वगैरह, तो उसके लिए हम दे रहे हैं। और ये ORS के पैकेट हैं, जैसे किसी को BP वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी लिए हम दे रहे हैं, कि किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है या कोई फर्स्ट टाइम जैसे डोज लगवा रहा है तो उसकी वजह से कई बार दिक्कत हो जाती है। हाँ, उनके लिए भी ORS बेटर होता है, सबसे बेटर होता है। किस तरह की ड्यूटी आप यहाँ पर कर रहे हैं? ड्यूटी यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगा है, थोड़ा मास्क के बारे में अवेयर कर रहे हैं लोगों को और थोड़ा डिस्टेंसिंग के बारे में, क्योंकि वो सुबह से आप देख सकते हैं, सुबह से वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। चाहे अब जो आप ये सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं वो वॉलेंटियर है, उन्हीं की वजह से यहाँ पर है। एक यहाँ पर वैक्सीनेट कराने आए, आप वैक्सीन कराने आए हैं, किस एज ग्रुप में है आप? 18 to 44 प्लस में। और रजिस्ट्रेशन कब कराया था आपने? कल, परसों। तो आज आपको वैक्सीनेट हो रहा है, किसकी प्रेरणा से आप वैक्सीन कराना चाह रहे हैं? इसमें कोई प्रेरणा की तो बात नहीं है, मतलब ये तो वैक्सीन तो जरूरी है कोविड के टाइम्स में, तो इस वजह से आप इसे एक कारगर हथियार मानते हैं कोविड से सुरक्षा के। हाँ जी, युवा है वो कहते हैं कि उसे कोविड से बचना है तो वैक्सीन कराना होगा, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराया था। एक और यहाँ पर वैक्सीन कराने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से वैक्सीन कराने आए हैं, किन की प्रेरणा से चाहते हैं कि वैक्सीन हो, क्या लगता है क्या फायदा मिलने वाला है? वैक्सीन से हम कोरोना से प्रोटेक्टेड रहेंगे, यही फायदा है, रिस्क कम रहेगी। बिल्कुल, सबको लगानी चाहिए वैक्सीन। खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है, वॉलंटियरों से हम बात करें। मैडम, सुबह से देख रहे हैं कि आप यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे पड़े हैं, आपकी पूरी टीम लगी हुई है, किस तरह से मैनेज करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है? सर, बस सभी लोग अपने हिसाब से जल्दी जल्दी लगवाना चाहते हैं, तो हम मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा यही मैनेजमेंट रहेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारा काम करवा पाएं, और बस सर इसी के साथ हम मैनेज करना चाहते हैं। कितना पसीना बहाना पड़ रहा है सब कुछ मैनेज करने में? सर, मेहनत तो अब लगी रही है, सुबह से आए हुए हैं हम लोग भी, तो ठीक है। अब सर सेवा, गीता ज्ञान संस्थानम से है या बाहर से है, कैसे? नहीं सर, हम गीता ज्ञान संस्थानम से ही हैं, हम समिति के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के लिए हम यहाँ पे सेवा के लिए आए हुए हैं। जी, सेवा के लिए आए हुए हैं। जी। सर, जो भी कार्यक्रम होता है तो आप लोगों की ड्यूटियाँ होती है? गीता ज्ञान संस्थानम में खुद ही महाराज श्री की कृपा से जब भी बुलावा आए हम लोग जरूर यहाँ पे आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। देखिए, यहाँ पर वॉलंटियर है, कहते हैं कि हम महाराज श्री की जो प्रेरणा है उन्हीं से ही हम यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और गीता ज्ञान संस्थानों सिर्फ आध्यात्म नहीं, धर्म नहीं, समाज सेवा में भी बड़ा नाम है, बड़ा काम करता है। अक्सर ये काम सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, कंचन टीवी के माध्यम तक आप तक पहुँचते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सार्थक कामों को, अच्छे कामों को आपके सामने लाता रहे। आप
इसी तरह हमारे कामों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बताते रहिए कि गीता ज्ञान संस्थान कैसा काम कर रहा है, कंचन टीवी कैसा काम कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ हर एक दर्शक का जो हमसे जुड़ा हुआ है।